दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन 2023-24 के लिए भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप पहली क्लास के लिए केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की ये ऑफिशियल साइट खोल लेना है। तो दोस्तों, आपको फॉर्म भरने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप चाहो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए और डिजिटल फोटोग्राफ, स्कैन फोटोग्राफ चाइल्ड की, और यहाँ पर दोस्तों स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट JPG या PDF फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पर आप अगर आपके फादर्स मदर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट ये चाहिए। तो आप सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले ये सारा नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस डब्बे पर क्लिक करना है और आगे बढ़ाएं, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नया पंजीकरण न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें। यहाँ पर आपको अपना दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता, तो आपको ध्यानपूर्वक सारी डिटेल्स है वो भरना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस बॉक्स में बच्चे का पहला नाम, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे किस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय KVS पहली क्लास के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आगे भी आपको वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर बच्चे का पहला नाम, फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, तो इस बॉक्स में बच्चे का पहला नाम, प्रथम नाम डालना है। यहाँ पर मध्य नेम है तो डाल सकते हैं, और यहाँ पर बच्चे का उपनाम लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों यदि बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको नो पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों बच्चे की जन्मतिथि यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इस कैलेंडर से सबसे पहले आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है अपने बच्चे का, मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आपको सही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, अगर पहले से केंद्रीय विद्यालय के पुत्र पुत्री हैं तो आप यहाँ पर वर्किंग पेरेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पर इस बॉक्स में एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है जिस पर OTP जाएगा। उसके बाद में इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे, और यहाँ पर रजिस्टर्ड बटन इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काइंडली नोट दैट द मिनिमम एज फॉर एडमिशन स्टडी 1 क्लास 1 के लिए मिनिमम एज 6 साल और मैक्सिमम 8 साल। यहाँ पर 1/4/2023 को आपकी जो एज है वो काउंट होगी। यहाँ पर 2 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट के लिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP सत्यापित करें, आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक OTP गया है, वो OTP को यहाँ पर डालना है, एंटर OTP, और इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे, और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण साइन अप कर लिया है। तो यहाँ पर आपको कक्षा पहली के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चे का नाम, लॉगिन कोड, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर पंजीकृत मोबाइल नंबर। तो इसको आपको संभाल कर रख लेना है, और इसको प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसका प्रिंट लेना ना भूलें, या फिर आपको इसको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है, पर आपको लॉगिन कोड डालना है, यहाँ पर बच्चे की जन्मतिथि और यहाँ पर मोबाइल नंबर, और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे।
जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपकी जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और डिक्लेरेशन एंड सबमिट, पांच स्टेप में फॉर्म भराएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई गलती ना हो आपसे। तो यहाँ पर जेंडर इस बॉक्स पे टिक करेंगे, आप फॉर्म भर रहे हैं फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, जो भी हो वो यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको परिवार का आय वर्ग, तो आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है कि आपको किस बेस पे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो इस चीज़ का ध्यानपूर्वक आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, तो यहाँ पर अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS में आते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको EWS आपका प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, यहाँ पर EWS कब जारी हुआ वो डेट डालेंगे, और यहाँ पर EWS BPL प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकरण का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों अगर आप गरीबी रेखा से नीचे BPL कार्डधारी है, ब्लू पॉवर्टी लाइन BPL कार्ड है, तो इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपना BPL सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर BPL कार्ड कब जारी हुआ वो दिनांक डालेंगे, और यहाँ पर आपको किसने जारी किया है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर ये आपको अपने अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आपको BPL कार्ड से भरना है तो BPL सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल्स आप उसकी डाल देना है। कैटेगरी जाति वर्ग, तो यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रक्त समूह, तो यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अगली सेकंड स्टेप आती है पेरेंट्स डिटेल, तो यहाँ पर आपको माता का विवरण यदि लागू हैं, यहाँ पर अगर माता का विवरण देना चाहते हैं लागू हो, तो यहाँ पर शीर्षक में चॉइस टाइटल में मदर्स MS लिखते हैं, MRS या लेट, वो अगर माताजी नहीं है तो लेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर MS है या MRS जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा नाम डालेंगे, फुल नेम मदर्स का, इस बॉक्स में यहाँ से राष्ट्रीयता में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, तो आपका मदर्स और पापा का दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर दोनों पर टिक कर देंगे। यहाँ पर अगर अलग से देना चाहते हैं तो अलग भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर मदर्स और फादर का एक ही एड्रेस होता है तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से देश इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से राज्य से हैं वो। उसके बाद में यहाँ पर शहर सिटी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मान लीजिए अपनी सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टाइप करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर घर का पता, रेसिडेंटल एड्रेस, तो यहाँ पर अपना घर का पूरा पता डाल देना है, एड्रेस। यहाँ पर दोस्तों पिन कोड आ जाएगा इस बॉक्स में, यहाँ पर घर का टेलीफोन नंबर हो तो दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मदर्स का मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी देना चाहो तो ईमेल भी दे सकते हैं। उसके बाद में यदि माता काम करती हैं तो यहाँ पर व्यवसाय ऑक्यूपेशन में क्या करते हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर संस्था ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपकी मदर्स कुछ नहीं करती हैं तो यहाँ पर आप हाउस वाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं, हाउस वाइफ। के बाद में पिता का विवरण यदि लागू हो, अगर पिता का विवरण देना चाहते हैं तो यहाँ पर पिता का लेट है, अगर पापा नहीं है तो लेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूरा नाम डाल देना है, फुल नेम फादर्स का, यहाँ पर राष्ट्रीयता में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपका मदर्स और फादर का दोनों एड्रेस आपने सेम आ जाएगा। उसके बाद में फादर्स का मोबाइल नंबर आएगा इस बॉक्स में, यहाँ पर ईमेल आईडी, और यहाँ पर फादर्स क्या करते हैं ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन संस्था का नाम यहाँ पर डाल देना है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
थर्ड स्टेप आती है चॉइस ऑफ स्कूल, तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है, इसमें कोई भी गलती ना करना, नहीं तो आपका गलत जगह स्कूल का नाम सेलेक्ट हो गया है गलत तरीके से, तो नाम आप बाद में पछताओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आपको। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट विद्यालय बन, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस जो भी पहले चाहिए स्कूल, वो पहला स्कूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से अपना राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, उसके बाद में विद्यालय का नाम चुनें, तो यहाँ से आपको जो भी राज्य सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपका जो विद्यालय है वो विद्यालय का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए भोपाल का चाहिए, फर्स्ट नंबर पर केंद्रीय विद्यालय भोपाल नंबर वन, तो इसको टिक करेंगे। उसके बाद में उसकी डिटेल्स आ जाएगी, आप यहाँ पर चाहो तो व्यू मैप पर क्लिक करके इसका एड्रेस भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपका निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आप एड्रेस डालेंगे उस एड्रेस से आपका केंद्रीय विद्यालय 5 किलोमीटर से कम या बराबर है या 5 किलोमीटर से अधिक, तो ये सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 5 किलोमीटर से कम है तो इस पर टिक करेंगे। दूसरा भी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपके क्षेत्र में जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 स्कूल है, तो तीनों का प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर एक का देना चाहते हैं तो एक का भी दे सकते हैं। मान लीजिए सेकंड का भी देना है तो सेकंड पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको ये राज्य सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना स्कूल सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको स्कूल चाहिए वो। उसके बाद में यहाँ पर उसका मैप पर क्लिक करके मैप देख सकते हैं, यहाँ पर किलोमीटर 5 किलोमीटर से कम या बराबर में है वो सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट विद्यालय 3, तो यहाँ पर थर्ड नंबर की विद्यालय भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों विद्यालय अगर चाहिए तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर एक चाहते हैं तो एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहला स्कूल, दूसरा और तीसरा, चाहो तो तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, अगर आपके माता पिता यहाँ पर ये माता पिता दादा दादी नाना नानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप हाँ करके यहाँ से उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। और उसके बाद में चॉइस सर्विस प्रॉपर्टी कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे वाला यहाँ पर चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों नंबर 4 स्टेप आती है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको केवल PDF और JPG फाइल में ही बच्चे की फ़ोटो की फाइल की होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में, जिसका साइज यहाँ पर फाइल की अधिकतम साइज 256 KB होने चाहिए। और यहाँ पर चिन्हित सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं, आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो दस्तावेज आपके पास में होना ज़रूरी है। आपका बाई चांस सिलेक्शन होता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे की जन्मतिथि प्रमाण पत्र चॉइस फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करना है, अपना बच्चे का जन्मतिथि प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तो प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे, तो यहाँ पर बच्चे की जन्मतिथि प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र, SC ST OBC जो भी आपने जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है वो सर्टिफिकेट होना आपके पास में ज़रूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर नंबर 5 स्टेप आती है डिक्लेरेशन एंड सबमिट, तो यहाँ पर मैं प्रमाणित करता हूँ, तो आपको ये सारा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। तो दोस्तों मैंने ये फॉर्म आपको डेमो दिखाया है भर के एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो आपको अपनी सही जानकारी देना है। मैंने ये सारी डिटेल्स डेमो दिखाई है आपको एग्ज़ाम्पल, तो आपको ये सारा नोटिफिकेशन आपको चेकआउट कर लेना है और उसके बाद में इस डब्बे पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर सेव टू प्रीव्यू इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फॉर्म है वो फाइनली सेव हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीव्यू इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके सामने जो सारी डिटेल्स है वो आ जाएगी, तो आपको एक बार चेकआउट कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स डाली है वो सही है। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पर बैक करना है। बाद में सबमिट एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
पर आपको यस करना है और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ओटीपी दर्ज करें तो यहाँ पर इस बॉक्स में एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई ओटीपी, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूअर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, इसको संभाल के रख लेना है। तो फिर आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में सेव करके रख लेना है। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इसको आपको PDF में सेव कर सकते हैं अपने पास में। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय संगठन KBS कक्षा पहली क्लास वन के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से घर बैठे आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल से रिलेटेड आगे भी आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।